जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, प्रभु मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसे जन्म लेने की उपयोगिता समझाते हैं। बालक कुछ देर तक हट करता रहा, लेकिन भगवान के कई बार मनाने पर वह नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मृत लोक में जाऊं तो वही सही, पर जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। भगवान बोले, बोलो पुत्र क्या चाहते हो? तो बच्चे ने भगवान से कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक हर एक क्षण आप मेरे साथ होंगे। इस पर भगवान ने कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। बच्चे ने फिर से एक सवाल किया, पर पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं? भगवान कहते हैं, जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें दो जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देंगे, उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर कुछ ही समय बाद उस बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद वह संसार की बातों में पढ़कर भगवान से हुई बातचीत को भूल जाता है, पर मरते समय उसे ये बात याद आती है। तो वह भगवान के द्वारा किए गए वादे को कन्फर्म करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और अपने जीवन को याद करने लगता है। वह देखता है कि उसे जन्म के समय से ही दो जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, परंतु जिस समय वह सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था उस समय केवल एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मरने के बाद वह भगवान के पास पहुंचा और रूठते हुए बोला, प्रभु आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे दो की जगह एक ही जोड़ी पैर दिखाई दिए, बताइए आपने उस समय मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, प्यारे बच्चे जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा दिल भर आया और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया, इसीलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, बहुत बार हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि शायद यही वो समय होता है जब भगवान, ईश्वर, अल्लाह या गॉड हम पर सबसे ज्यादा कृपा करता है। अनजाने में हम सोचते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, पर हकीकत में वो हमें अपनी गोद में उठाए होता है। चलिए दोस्तों, अब इस मजेदार कहानी को अपने सारे दोस्तों और परिवार के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप पहली बार बफर लाइफ चैनल पर आए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद एक घंटी जैसे आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। इससे मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।